वेल ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के बाद अब आ रही है जी ब्रह्मास्त्र पार्ट टू और थ्री। जी हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड क्या अनाउंस किया गया है और क्या क्या इसके रिलेटेड है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हूँ। तो बढ़ते हैं जी क्विक अपडेट की तरफ। तो अपडेट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि दिसंबर में और साल 2026 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट जो है वो दिसंबर 2026 में रिलीज़ किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है एंड इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। लेकिन यहीं पर हम बात करें पार्ट थ्री की, तो इसका पार्ट थ्री जो है वो आएगा जी दिसंबर 2027 में, जो कि तकरीबन ठीक है 2026 के बाद एक साल बाद ही इसे रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन इन दोनों की शूटिंग और जो VFX वगैरह अरेंज किए जाएंगे वो एक ही टाइम में किए जाएंगे, ताकि इससे बजट भी कम हो और उसके साथ साथ यहां पर इनका टाइम भी कम लगे। और उसी के साथ साथ अयान मुखर्जी का ये भी कहना है कि इस दरमियान में मुझे तकरीबन 26 से पहले पहले जो है वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक काम करना है। एंड अपडेट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो ज़रूरी काम वार 2 होने वाला है, जिसको अयान मुखर्जी खुद डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऋतिक रोशन ने खुद ये अनाउंस किया था कि वो अयान मुखर्जी के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है जी वार 2। ये तो उन्होंने अनाउंस किया था। एंड अभी जो है वो अयान मुखर्जी कह रहे हैं कि मुझे वो साल 2025 में फिनिश करना है, तो मींस ये साल 2024 से 25 के दौरान वार 2 आ जाएगी एंड उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा इनको पार्ट 2 और 3 बनाने के लिए। बाकी मैं इस अपडेट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि ये अपडेट जो है वो कंप्लीट अपडेट नहीं दी गई, सिर्फ इतना ही बताया गया कि दिसंबर में इसे रिलीज किया जाएगा एंड वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आगे डिले कर दिया गया है इसे साल 2026 में रिलीज किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ यहां पर ये साल 2026 में ही क्लैश होगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का एंड उसी के साथ साथ यहां पर अवतार फोर्थ पार्ट का। जी हाँ, अवतार का फोर्थ पार्ट जो है वो भी साल 2026 में और दिसंबर के मंथ में ही आने वाला है, तो इन दोनों का आपस में क्लैश होगा, तो वो देखने में मज़ा आएगा। हालांकि इनको ये तब रिलीज़ नहीं करनी चाहिए थी, एक मंथ पीछे कर लेते, एक मंथ आगे कर लेते, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो हाइप बनी हुई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसके सामने टिक पाएगी। क्योंकि हाँ, अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया है ब्रह्मास्त्र के पार्ट वन ने, लेकिन जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, डिजिट्स अच्छे थे, लेकिन अगर यहीं पर हम बजट को देखें तो 400 करोड़ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने 430 करोड़ पर ही आकर बस कर दी। तो डिजिट्स तो अच्छे थे, लेकिन बजट और बॉक्स ऑफिस के दरमियान को इतना ज़्यादा गैप नहीं था, तो मेरे हिसाब से ये इतनी भी अच्छी मूवी नहीं गई कि इसे डायरेक्टली ही अवतार से कंपेयर किया जाए और अवतार के साथ इसे क्लैश करवाया जाए। तो यही थी थोड़ी सी वीडियो और थोड़ी सी अपडेट, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी थी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 एंड 3 कब रिलीज होगा। तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।